हेलो दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूं, जिसको सुन के आपको ये यकीन होगा कि हमारे अंदर कितनी पावर होती है। अगर हम कुछ ठान लें तो हमारे आगे कितनी भी मुश्किलें आ जाएँ, कितने भी लोग आ जाएँ हमें रोकने वाले, हम फिर भी नहीं रुकते अगर हमें कुछ करना हो तो। ऐसे ही जज्बे की कहानी है श्रीकांत बोला की। तो दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लेता है, आंध्र प्रदेश की एक बहुत से छोटे से गांव में। जब उनका जन्म होता है तो उनकी फैमिली में कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो बचपन से ही अंधे थे। लोगों ने उन्हें देखा और कहा कि इस बच्चे को फेंक दो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे लिए आगे चल के बोझ बन जाएगा। ऐसे ऐसी बातें होने लगी, पर उनकी फैमिली ने उन्हें फेंका नहीं बल्कि अपने साथ रखा। दोस्तों, उनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी। उनके फादर एक किसान थे जो कि पूरे साल के उनको 20,000 रुपये कमा पाते थे पूरे साल में। तो आप सोच सकते हो कि एक दिन में वो क्या कमाते होंगे। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि रात का खाना भी नसीब होगा या नहीं, इतनी बुरी हालत थी। फिर भी उन्होंने उस बच्चे को पाला। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे बगल के स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। दोस्तों, उस स्कूल में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। उन्हें लास्ट बेंच पर बैठाया जाता था, उनसे कोई भी बात नहीं करता, उन्हें पीटी क्लास में एंटर तक नहीं करने दिया जाता, किसी गेम में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। दोस्तों, वो कहते हैं कि वो ये महसूस करते थे वो कितने गरीब हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि इतनी भीड़ में रहते हुए भी वो इतने अकेले हैं, सब उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। उनके फादर उन्हें कभी कभी अपने खेतों में ले जाते थे, लेकिन जो कि वो देख नहीं पाते थे, जिस वजह से वो अपने पिता की भी कोई हेल्प नहीं कर पाते थे। उनके पिता ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि उस स्कूल में उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा, जिस वजह से उन्होंने शहर में एक स्कूल में उसका एडमिशन कराया जहाँ उस तरह के बच्चे आया करते थे, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, देख नहीं सकते, ऐसे बच्चे वहाँ आया करते थे। उन्होंने वहाँ पर उनका एडमिशन करवा दिया। जब उनका एडमिशन हो गया, उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा, क्रिकेट, चेस और साथ ही साथ बहुत मन लगा के पढ़ाई की। दोस्तों, 10th में उनके 90% आए थे। सभी के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए। पर दोस्तों, उनका संघर्ष यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने उनका बुरा व्यवहार उनके साथ करना यहीं पर नहीं छोड़ा, क्योंकि जब उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, वो चाहें कि आगे की पढ़ाई वो साइंस सब्जेक्ट से करें, तो किसी भी स्कूल में उन्हें एडमिशन नहीं लेने की परमिशन दे रहे थे। इस सब्जेक्ट से उन्हें पढ़ने की परमिशन ही नहीं दी जा रही थी। उन्हें बहुत बुरा लगा कि इतने अच्छे मार्क्स आए फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं इसलिए। लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया, मोर्चे निकाले और एट लास्ट सरकार ने ये परमिशन दी कि इन्हें पढ़ाई करने दी जाए साइंस सब्जेक्ट से। उन्होंने साइंस सब्जेक्ट से बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की और 12th में उन्हें 98% आया। दोस्तों, सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि इसे इतना मार्क्स कैसे आया, कैसे वो इतने अच्छे से, सबके जो भी सोच रहे थे कि साइंस सब्जेक्ट तो ये कर नहीं पाएगा, उन सब का मुंह बंद कर दिए अपने मार्क्स से। लेकिन फिर भी, जैसा कि लोग करते हैं, उनके साथ फिर भी बुरा व्यवहार हुआ। जब वो चाहें कि IIT कॉलेज से वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, तो दोस्तों उन्हों किसी भी कॉलेज ने उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया। तो फिर से वो हार नहीं माने, क्योंकि उनमें हार मानने की स्पिरिट ही नहीं थी, उनमें लड़ने की स्पिरिट थी। इसलिए उन्होंने नेट पे सर्च किया, उन्होंने देखा कि क्या कोई कॉलेज ऐसा है जो उन्हें पढ़ने की परमिशन देगा। तो उन्हें US में ऐसे 4 कॉलेज मिले जिन्होंने उनके पढ़ने की परमिशन दे रहे थे। उन्होंने अप्लाई किया, उनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और वो MIT के कॉलेज से उन्होंने US में पढ़ाई स्टार्ट की। उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे भी हुए पढ़ने में, या फिर कुछ में दिक्कत उन्हें हुई, पर वो सारे चीज़ों को फेस करते हुए अपने क्लास में बहुत टॉप किया, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, जिस वजह से उन्हें
बहुत अच्छे पैकेज में जॉब ऑफर की गई, लाखों के पैकेज में। पर दोस्तों उन्होंने जॉब एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो इंडिया वापस आ गए और उनके जैसे जो भी इंसान हैं, जो भी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन सारे लोगों की हेल्प करने शुरू कर दी। उन सारे लोगों का रहने खाने का सारा इंतज़ाम करने लगे, जो कि उन लोगों को ये ना लगे कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है, उनके अपनी ज़रूरत के लिए किसी और के आगे ना झुकना पड़े। जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी खड़ी की, बोलांट इंडस्ट्री, जो कि आज 50 करोड़ की टर्नओवर देती है। दोस्तों जो इंसान देख नहीं सकता, जो बच्चा जिसे लोगों ने कहा कि फेंक दो, वो बच्चा आज लोगों की हेल्प कर रहा है। इतने हजार लोगों की उन्होंने हेल्प की और आगे भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जब एक ऐसा बच्चा कुछ कर सकता है अपने जज्बे के दम पे, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे अंदर खुद पे भरोसा नहीं होता हमें, तभी हम लोगों के दो नेगेटिव बात सुन के टूट जाते हैं, या फिर हम कुछ स्ट्रगल फेस करते हैं तो टूट जाते हैं। लाइफ में जो भी सक्सेसफुल हुआ है, उन्हें ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा, वो सब स्ट्रगल फेस किए और आज सक्सेसफुल हुए। तो ज़रूरत है हमें ठानने की अपने मन में कि हमें कुछ करना है। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने अंदर जज्बा बनाए रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।